अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरीहा हसीब और आप देख रहे हैं चिपकले स्काई वन न्यूज चैनल HD। रमजान मुबारक के आते ही कराची की रौनकें भी लौट आई हैं। कराची के इलाके नाज़माबाद पेट्रोल पंप पर इत्तेहाद तहफ़ुज़ फाउंडेशन की जानिब से रमजान मुबारक के महीने में अफ्तारी और खाने का एहतमाम किया गया। मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नाच सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बनके मेहमान नूरे रमजान। रमजान मुबारक के महीने में हर साल अफ्तारी के साथ साथ खाने का भी अहतमाम किया जाता है, जिनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा। इत्तेहाद तहफ़ुज़ फाउंडेशन महमूद हुसैन बाजवा का कहना है कि माशाल्लाह ये 3 साल से हमारा ये दस्तखान चल रहा है, ये नाज़माबाद पेट्रोल पंप पे। तो आगे हमारा दस्तखान एक हसन स्क्वायर पे, एक हबीब बैंक पे, और ये माशाल्लाह पहले यकम रमज़ान से हमारा ये रमज़ान प्रोग्राम इफ्तार चल रहा है, और हम जो गरीबों को राशन भी तकसीम कर रहे हैं, और उसी तरीके हम हमारा इफ्तार का डेली बेसिस पे ये प्रोग्राम चल रहा है। और हम अपने यार दोस्तों, अपने भाइयों को जिनके पास हस्बे तफीक है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं आएँ और हमारा काम देखें भी हम कैसे कर रहे हैं, और हमारे साथ कुछ हाथ बटाएं। दुख भरे लम्हात में, इस शबे जुल्मात में, मुझको सेक्रेटरी इत्तेहाद तहफ़ुज़ फाउंडेशन मोहम्मद इकबाल खान का कहना है कि मैं साहिब हैसियत लोगों से अपील करूंगा कि वो अपने इर्द गिर्द देखें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कि खुदा के लिए उनकी मदद करें। हम ये नहीं कहते इत्तेहाद फाउंडेशन की मदद करें। आप देखते हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ बाजू बने, हमारे साथ मिलें, हमें हौसला दें, हमें हिम्मत दें। और महमूद हुसैन बाजवा जो हमारे चेयरमैन हैं, इनका हौसला बढ़ाएँ। इन्होंने बहुत अच्छा जो है इन्होंने इकदाम उठाया है कि लोगों को जो है, और हमारा एक सिलसिला और भी है कि हमने जो है जो हमने एक टीम बनाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जो देखते हैं कि ऐसे लोग, सफ़ेद पोश लोग जो वाकई मुस्तैक लोग हैं, तो हमने उनके कार्ड बना के दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको 100-150 हमने कार्ड बना के दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम हर महीने वो हमसे राशन लेके जाते हैं, हर महीने राशन लेके जाते हैं। ये रमज़ानों को सिलसिला नहीं, रमज़ानों में तो अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ हर आदमी की कोशिश होती है कि हमारा दस्तरखान हरा भरा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सालों साल से जो है ये दस्तरखान चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप आम दिनों में आन के देखेंगे, जब भी आपको इतना ही रश मिलेगा, ऐसे ही लोग मिलेंगे, आप खुद अप्रिशिएट करेंगे। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि जहाँ पर हमने ये दस्तरखान लगाया है, यहाँ पर इतनी गंदगी थी, इतनी यहाँ पर बेहयाई थी, यहाँ पर जो वो कहते हैं कि कब्जा ग्रुप बैठे हुए थे, वो हमने यहाँ पे साफ किया। हमारे साथ इदारों ने मिलकर काम किया, हमारे साथ DC ने काम किया, हमारे साथ AC ने काम किया, हमारे साथ DMC ने काम किया, KMC ने काम किया। इसी के पीछे जो है कुछ जगहें आबाद, वो वहाँ पे भी जो है 12 सालों से जो है लोग काबिज थे, वहाँ पे मंशियात फरोश थे, वहाँ पे बहुत कुछ जराइम पेशा लोग मौजूद थे, वो जगह भी हमने जो है खाली कराई। मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नाच सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बनके मेहमान नूरे रमजान। नूरे रमजान।
मेरा नाम अब्दुल हसन है, मैं ITF का मेंबर हूं। ठीक है जी, आप ITF की तरफ से जो भी काम हो रहा है वो आप खुद देखें और आके इनकी हेल्प करें। हमारे बाजवा साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ दस्तरखान लगा रहे हैं, दोपहर का खाना कर रहे हैं, जो हो सकता है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप लोग हेल्प करें। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। इत्तेहाद तहफ़ुज़ फाउंडेशन की जानिब से जो माशाल्लाह फर्स्ट ऑफ रमज़ान से जो है ये अफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं बाजवा साहब, इकबाल साहब, ये एक बहुत अच्छा और बेहतरीन काम है। ये काम सर्विसेज का जो है ये रियासतों को था, जो कि तमाम इखलाकी तौर पर जो है सियासी और समाजी लोग कर रहे हैं और एक ये बहुत अच्छा काम है। मैं तमाम मुखिया अज़ाज़ से अपील करूँगा कि वो यहाँ आएँ, देखें और इस कार्य खैर में इनका हाथ बटाइए ताकि इस काम को मजीद बढ़ाया जा सके। और आम दिनों में रमज़ान के बाद ये दोपहर का खाना भी सर्व करते हैं, लोगों को प्रॉपर बाइज्जत तरीके से बैठा के शाम का खाना भी देते हैं। अभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन 2 दफ़ा कर चुके हैं और अभी अनकरीब शायद मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में इनकी राशन डिस्ट्रीब्यूशन फिर आ रही है। और साथ इन्होंने परसों ईडी तकसीम की 1000 रुपये फी एनवलप, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा नेकी का एक बड़ा अच्छा काम है, जो कि देखने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन ये इंतहाई मुश्किल काम है सर्विसेज का काम करना, क्योंकि इसमें जो भी आदमी अच्छा काम करने की कोशिश करता है उसके दरमियान कोई ना कोई जो है वो लोग जो है आकर रुकावटें डालते हैं कि जी ऐसे या वैसे। अगर हम तो कहते हैं जी आप एक दिन आके हमारी जगह पे बैठें और ये काम करें, तब आपको अंदाज़ा हो कि भाई इस काम को कैसे किया जाता है। तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया पर्सन का कि वो यहाँ गाय बगाए आकर जो है कवरेज कर रहे हैं। और मेरा ताल्लुक़ शोबे सियासत से भी है और समाजी ताल्लुक़ भी है मेरा, तमाम मैं NGOs का मेम्बर हूँ, अमेरिकन और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैंने कई किए हुए हैं, तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी है। तो इसलिए मैं वॉलंटियरली जो है एक बात साहब के साथ बाजवा साहब के साथ जो है वो जुड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थी अब तक की खबरें, मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.AAASkyOneNewsHD.webs.com। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। फरीहा हसीब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।